अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया था सैंडविच, जिसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, और अब भी मैं लंच बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मिस्सी रोटी की रेसिपी। ये ज़्यादातर पंजाब में बनाई जाती है, तो ये मेरी अपनी रेसिपी है जिससे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बनानी है। सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है, जो नॉर्मल आटा हम घर में यूज़ करते हैं वही आटा मैंने लिया है। तो ये 60% ले लेना है आपको, उसके बाद 40% बेसन ऐड कर लेना है और मिक्स्ड वेजिटेबल्स इसमें ले लेनी है आपने, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो, और मिक्स करने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और फिर पानी ऐड करके इसको अच्छे से हमने नीड कर लेना है, और इसको अच्छे से नीड कर लेंगे क्योंकि ये ना चिपकता बहुत है। इसमें सब्जियां जो हैं वो साल्ट ऐड किया हुआ है, उनमें वो वाटर रिलीज़ करती हैं, तो उसके बाद जो है वो इसमें सूखा आटा मिक्स करना पड़ता है ताकि ये चिपके ना। तो 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद अब जो है हम इसको क्या करेंगे कि लोई बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अच्छे से नीड करके। तो अब हम इसका बनाते हैं रोटी। तो चलिए रोटी बनाने के लिए सूखा आटा मिक्स कर लेते हैं, इसके ऊपर लगा के इसको रोल कर लेंगे अच्छी तरह से। और देखिए शेप कोई भी नहीं होती है, मतलब अगर आप जिस भी शेप में बनाना चाहें आप आराम से बना सकते हैं। तो मैंने इसको रोल कर लिया है, और अब चलिए हम तवे पे फेंक देते हैं। तो ये मैंने डाल दिया तवे पे, अब इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। सेकने के बाद हमें इस पर थोड़ा सा घी अप्लाई करना है, और ये देखिए जी हमारा लंच हो गया रेडी। तो चलो लंच कर लो। ये देखो अब यहाँ आईमल उठ गई है, और इसको मैं सुला लूँगी तो फिर आपसे मैं शेयर करूँगी अपनी ड्रेसेस। ये देखो जी, और ये ड्रेसेस हैं फ्रेंड्स, ये मैंने लाए थे निशात आर्ट से, निशात आर्ट जम्मू। आपने मिसबा वर्ल्ड के चैनल पे देखा होगा उनका एड्रेस, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर प्लीज़ देख लें। तो निशात आर्ट जो है ये बठिंडी में है, तो यहाँ उनसे मैंने ये ड्रेस ख़रीदा था। मैं वीडियो नहीं बना पाई तब, और ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडर ड्रेस है, अंडर बजट है ये, 1000 रुपीज़ में ये मैंने लिया था। और ये बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है, बहुत अच्छी और नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी करी हुई है इसके ऊपर, और ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए आप कितना प्यारा ये ड्रेस है, और इसको आप कैजुअल भी वेयर कर सकते हैं, आप घर में भी डाल सकते हैं इसे। और इसको मैं अभी टेलर को दे दूँगी, और उसके बाद मैं इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूँगी। तो इसकी जो ये एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, ये या आप स्लीव्स पे भी लगा सकते हैं, बॉटम पे भी लगा सकते हैं। आप देखते हैं मैं कैसे लगाती हूँ, जब ये बन के आएगा तो उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखो कितनी नीट और कितनी क्लियर, साफ साफ प्यारी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है इसके ऊपर। ये देखिए आप देख सकते हैं इस पर, और इतने ना कलर कॉम्बिनेशन इस पर बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। तो इसके साथ दुपट्टा जो है वो मुझे लेना पड़ेगा, और आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मैं दुपट्टा कहाँ से लेती हूँ, मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने एक कुर्ता लिया था, वही निशात आर्ट से ही लिया था 800 रुपीज़ में, और इसके ऊपर भी बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। ये बिल्कुल जैसे सर्दियों में हम फिरन डालते हैं ना, और वैसे ही स्टाइल का है ये, और वैसे ही उसी टाइप की एम्ब्रॉयडरी है ये इसके दामन पे, इसके स्लीव्स पे, इतनी प्यारी जैसे फिरन पे एम्ब्रॉयडरी होती है, बिल्कुल वैसे ही एम्ब्रॉयडरी है। और जिस चीज़ को भी ना फिरन स्टाइल में ये समर कुर्ती जो है वो पसंद आती है, जिन्हें अच्छी लगती है ये डालनी, तो वो जाकर निशात आर्ट पे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये इसके बैक पे भी देखिए कितना प्यारा फ्लावर बना है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा कुर्ता है ये। और इसके साथ मैंने पेयर किया है ये पैंट, जो मैंने अजियो से ऑर्डर करी थी बेज कलर में,
और ये बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, बहुत अच्छी जाती है इसके साथ। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये पेंट है। तो और इसके साथ जो मैंने स्टॉल लिया था वो मैंने वहीं मक्का मस्जिद के पास से लिया था, एक शॉप से, मक्का किताब घर है वहाँ का उसका नाम। और ये भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ पहना हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो मुझे रात के लिए अभी डिनर भी बनाना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।